अस्सलामुअलैकुम माई YouTube फैमिली, कुकी विद आमना में हम आपको वेलकम करते हैं। तो जी आज आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और सबकी फेवरेट चटपटे से खट्टे मीठे दही बल्ले की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। तो रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को और पे सेट कर दिया करें ताकि मज़े मज़े वाली जो रेसिपी है वो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। और प्लीज़ प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें, लाइक करते हुए आपको बिल्कुल भी पैसे नहीं लगते। तो चलिए शुरू करते हैं आपके साथ हम इसकी रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले जो जो हमें दही भल्ले के लिए चीज़ें चाहिए, सबसे पहले हम लेंगे बोल, साथ में ये फुलकियाँ, साथ दही 1 kg मैंने दही लिया है, बॉईल किया हुआ आलू, साथ में चने, टमाटर और बंद गोभी, और साथ में ऑनियन और इमली की चटनी और ग्रीन चटनी, साथ में चाट मसाला। अभी हम बोल के अंदर शामिल करेंगे ये फुलकियाँ जिसको हम भल्लियाँ भी बोलते हैं। तो अच्छे से हमने इसको पहले पानी, गर्म पानी में इसको हमने रखा था, अच्छे से ये सॉफ्ट हो चुकी हैं, ये शामिल करेंगे। इसी के साथ हम शामिल करेंगे ये बंद गोभी, साथ में टमाटर, साथ में ये चने और ये ऑनियन, प्याज बारीक बारीक कटिंग किया हुआ प्याज, ये शामिल करेंगे। बंद गोभी, टमाटर, चने और प्याज हम और फुलकियाँ हमने डालने के बाद अभी हम शामिल करेंगे आलू। अभी हम इसके अंदर शामिल करेंगे नमक, काली मिर्च पाउडर, साथ में ये ज़ीरा, साबुत ज़ीरा, ये साथ में चाट मसाला और ये कुटी हुई लाल मिर्च, ये सारी चीज़ें शामिल कर देंगे। इसी के साथ हम शामिल करेंगे 1 स्पून हम हरी मिर्च का, वो शामिल करेंगे। आप अपने हिसाब से जो स्पाइसी हैं वो कम थोड़ा कर सकते हैं, ये शामिल करेंगे। 1 kg हमने दही को अच्छे से हमने उसको बीट कर लिया था, तो ये शामिल कर देंगे। दही शामिल करने के बाद अच्छे से हम इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा जो दही है वो हमने थोड़ा सा इस बचा लिया है, वो बाद में गार्निश के लिए। अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। इतने ज़बरदस्त और इतने टेस्टी दही भल्ले आज रेडी होंगे ना, बहुत मज़ा आने वाला है आज तो हमारी रेसिपी का। आप सबको देखते ही मुँह में आपके पानी तो आ ही गया होगा, तो आना चाहिए क्योंकि ये दही भल्ले हैं, ये सबकी फेवरेट होते हैं। अच्छे से हमने सब चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अभी हम इसके अंदर शामिल करेंगे दही की बनी हुई चटनी, धनिया और दही और हरी मिर्च डालकर मैंने इसको इसकी चटनी बना ली थी, ये इसके तौर पर शामिल करेंगे और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अच्छे से दही की चटनी डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अभी हम अच्छी से हमने सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया है, तो अभी इसके ऊपर थोड़ा सा दही डालेंगे जो हमने बचा लिया था पहले। अभी हम इसके ऊपर शामिल करेंगे जो हमने धनिए की सादी पानी वाली जो चटनी है वो बनाई थी, वो हम शामिल करेंगे। अभी हम इसके ऊपर शामिल करेंगे इमली की चटनी, तो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी हमारा जो दही भल्ले हैं वो रेडी हैं। तो जी अभी हमने इमली की चटनी और जो धनिए की चटनी है वो शामिल कर दी है, और अभी थोड़ा सा हम इसके ऊपर धनिया गार्निश के लिए, साथ ही हम इसके ऊपर शामिल करेंगे अनार। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी हमारे दही भल्ले रेडी हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और इस रेसिपी को फैमिलीज एंड फ्रेंड्स में भी शेयर कर दें। आप पार्टीज़ में बना सकते हैं, मेहमानों के लिए दावतों में बनाएं, बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही टेस्टी है, मेहमान आपकी तारीफ़ें करते हुए जाएंगे। तो इतने मज़ेदार हैं, बहुत ही टेस्टी, मेरे तो मुँह में बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है और आप देख सकते हैं ना, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी हमारे दही भल्ले रेडी हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें। तो इंशाल्लाह आपसे दोबारा मिलेंगे एक नई और इजी रेसिपी के साथ। कुकी विद आमना को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।